आप देख रहे हैं N24 और इस बुलेटिन के साथ मैं हूं प्रतीक्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर जो कि बैतूल से आ रही है, जहां पर यात्री बस पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आमला से बैतूल जा रही थी बस जिस दौरान यह हादसा हुआ। उमरी दरगाह क्षेत्र की यह घटना है। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक यात्री बस पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि आमला से बैतूल जा रही थी ये बस जिस दौरान ये हादसा हुआ और बस पेड़ से टकरा गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अतिन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी अतिन, यात्री बस पेड़ से टकरा गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, कैसे हुआ हादसा? जी आज सुबह का मामला है, जब आमला से बैतूल जा रही बस उमरी दरगाह के पास अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकरा गई, जिसमें करीब 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। कुछ यात्री गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। लेकिन इस पूरे मामले में जो गौर करने वाली बात यह है कि जो यात्री हैं उन्होंने बताया है, जो ड्राइवर है वो नशे की हालत में था और अनियंत्रित तरीके से बस को शुरू से ही वो चला रहा था, जिस पर उसको हिदायत भी दी गई थी लेकिन वो नहीं माना और उसने इस हादसे को अंजाम दिया। अनियंत्रित बस पेड़ से टकरा गई और यात्री घायल हो गए। जी अतिन, क्या ड्राइवर के ऊपर किसी तरह का मामला दर्ज किया गया है? जी मामला दर्ज किया गया है पुलिस के द्वारा, लेकिन फिलहाल यात्री फरार है, सॉरी ड्राइवर फरार है इस घटना के बाद से। जी अतिन, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक यात्री बस पेड़ से टकरा गई। हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।